नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल AEIC क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों ने आज का थंबनेल पढ़ लिया होगा कि नकल करना पड़ सकता है भारी। BTAUP बोर्ड के एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम जो आज से शुरू हो गया है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ, बहुत बड़ी बात लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं, क्या वे लोग अपनी ताकत को भूल चुके हैं? क्या वे लोग अपने आप को नेगेटिविटी से एकदम भर चुके हैं? क्या वे लोग जो पेपर के एक महीना पहले क्या एक हफ्ता पहले पढ़ के रिटर्न पेपर में लिख के आते थे और अच्छा खासा नंबर को गेन कर जाते थे, अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर लेते थे और विदाउट किसी नकल के, क्या वे लोग आज 50 क्वेश्चंस जो कि MCQ रहेंगे उनके लिए उनको नकल करना पड़ रहा है? क्या क्यों अपने आप को भूल गए कि वो एक योद्धा हैं, वो एक रात में पढ़ के पेपर दे के लिख के आते हैं और टॉप कर जाते हैं? बहुत से लोग टॉप कर जाते हैं, बहुत से लोग अच्छा नंबर प्राप्त कर लेते हैं। क्या आज आप लोग को एक छोटे से एग्जाम के लिए, MCQ टाइप एग्जाम के लिए आप लोगों को नकल की करने की जरूरत पड़ रही है? आखिर क्यों आप लोगों को अपनी ताकत याद नहीं है? तो आज मैं आप लोग को अपनी ताकत, खुद की ताकत से रूबरू कराने वाला हूं। दोस्तों एक बात जान लीजिएगा, ये जितने भी यूट्यूब चैनल आपको कह रहे हैं कि नकल करना आसान है, नकल कर सकते हैं, ये लोग पता है उन यूट्यूब चैनलों की बात क्या है? वो लोग जो पढ़ाए हैं ना, उन पर खुद उन लोगों को भरोसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे जो पढ़ाए हैं। अगर उन्हें अपने पढ़ाने पर विश्वास होता ना, तो नकल करने की जगह बोलते कि आप मेरा वीडियो जाके देख लीजिए, सब क्वेश्चन उसी में से आएंगे, नकल करने की कोई जरूरत नहीं, आप पढ़ के जाइएगा आ जाएगा। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, मैंने जितना आप तक लेक्चर पढ़ाया है, जितना आप तक मैराथन चलाई है, अगर आप लोग ध्यान से उस पूरे वीडियो को देख लेंगे, उस पूरे लेक्चर को देख लेंगे, कंफर्म कहते हैं आपको नकल करने की कहीं जरूरत नहीं होगी। पूरी बुक कवर है उसमें, पूरी बुक को उठा के क्वेश्चन बनाया गया है, खुद से बनाया गया है, गूगल भी कॉपी नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन गूगल से भी आ रहे हैं ना, गूगल भी का सेम कॉपी से जितना मैच कराया सब मैच है, ठीक है, सारे क्वेश्चन सेल्फ तैयार किए गए हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है, कृपया विशेषकर से प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र जो हैं स्टूडेंट, विशेषकर से फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं, उनसे एक अनुरोध है कि आप नकल करना चाहते हैं, ठीक है, नकल करने के सब पूछे कैसे नकल करें, कैसे, ये नहीं पूछ रहे हैं कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, ये नहीं कितना आएगा, सिर्फ नकल के ऊपर उसे बांधता हूं। पढ़ाई नहीं हुई क्या आप लोग भूल गए हैं कि कॉलेज खुला रहता था? कितने दिन आप कॉलेज जाते थे? पूछता हूं मैं फाइनल ईयर वालों से, कितने दिन कॉलेज जाते थे? एक भी दिन गए थे? मैक्सिमम महीने में 2-3 दिन चले जाते थे, बाकी सेल्फ स्टडी करके ही घर पे खुद से पढ़ के नंबर लाते थे। भूल गए अपनी ताकत को? पूरा एकदम, मतलब इस लॉकडाउन में आपको ताकत भी सब कुछ भूल गई, कितनी आपकी कैपेसिटी है, क्या करने कैपेसिटी, क्या कर सकते हैं, क्यों नकल के पीछे पड़े जा रहे हैं? अच्छा, आप लोगों से एक अनुरोध है, जो लोग नकल करने का सोच रहे हैं ना, उनको बहुत भारी पड़ सकता है। अगर BTUP क्या जो YouTube पे वीडियो बना रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए एक हिसाब से कह रहे हैं कि ऐसे नकल कर लीजिए, वैसे नकल कर लीजिए, मान लीजिए क्या BTUP इतना पागल है? क्या BTUP ये नहीं देख रहा होगा कि आप लोग कितने तरीके बता रहे हैं? क्या आप वहां पे जो पेपर बनाए हैं, जो प्रॉक्टर बैठे हैं, सब वही है क्या? एकदम आप लोग को निगलेक्ट कर देंगे क्या नकल करने के लिए? पता है आज फाइनल ईयर BTEC वालों के रिजल्ट आया है, उसमें से 3100 बच्चे, कुछ बच्चे बैक हो गए हैं, बैक, सोचिए बैक हो गए हैं। अब बताइए क्या होगा, कैसे इतने बच्चे बैक हो गए? क्योंकि उन्होंने प्रॉक्टर को, दिशा निर्देश को फॉलो नहीं किया होगा। आप लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे वो मॉक टेस्ट था तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये एग्जाम में बहुत कुछ हो सकता है। आप अपनी लाइफ को, पूरा अपने करियर को दांव पे लगा रहे हैं। मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत से यूट्यूब चैनल को देखा हूं, सिर्फ नकल करने कैसे किया जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए, ये सब लेख के वीडियो बना के भेज दे रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं, बच्चों को भ्रमित करते चले जा रहे हैं, उनका मार्गदर्शक एकदम बदल दे रहे हैं, मार्ग उनका एकदम।
आखिर YouTube चैनल वाले भाइयों लोगों से, सर लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा चैनल ना बनाए, ऐसा वीडियो ना बनाए। एक व्यू पाने के लिए आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ व्यू पाने के लिए। आप उनको सही दिशा निर्देश दीजिए, अगर सही दिशा निर्देश नहीं दे सकते हैं ना, तो वीडियो एकदम ना बनाइए इस टॉपिक पे। एक महत्वपूर्ण बात यह है, क्यों आखिर इसमें दे देंगे नकल करके, अगर कुछ भी हो गया फाइनली बॉल के, अगर कुछ भी हो गया, मान लीजिए डॉक्टर देख लिया और आपको बोलता नहीं है, क्योंकि इतना तो मॉक टेस्ट में समझा दिया है, इतना प्रोसीडिंग करके वो लिख दिया है नीचे खुद कि जो भी होगा आप उसे खुद जिम्मेदार होंगे, तो क्यों रिस्क ले रहे हैं, क्यों नकल करना है। एक बुक पूरी पढ़ लेते थे आप लोग रिटर्न एग्जाम में एक रात में, तो आप ये बुक पढ़ के जाइए, अगर बुक पढ़ के जाए, एक बुक से नहीं होता, मेरे वीडियो को देख के जाइए, मैं दावे के साथ कर सकता हूं आपके सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। मैं कभी नहीं कहूंगा कि नकल करिए जाके, कभी नहीं, मैं नकल के सख्त खिलाफ हूं। और कोई ग्रुप रूप वगैरह ना बनाइएगा, ना फंसने के लिए रेडी हो जाइएगा, लाइफ बर्बाद हो सकती है आपकी, पूरी करियर खराब हो सकता है। जानता हूं कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन ये सच है, एकदम सच है। तो आप लोग नकल के लिए रेडी बिल्कुल ना रहिएगा। आप लोग जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तब आप लोग बिना नकल के देते थे ना, अच्छा नंबर गेन करते थे, तो क्यों क्यों इसमें नकल करना। 50 क्वेश्चन के लिए, 50 क्वेश्चन के लिए, भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए आप जाके गूगल पे पहले से ही पढ़ लीजिए ना, गूगल से पहले ही पढ़ लीजिए, मेरे चैनल को देख लीजिए, मेरे वीडियो को देख लीजिए, सारे वीडियो को पढ़ के लीजिए ना, पहले से ही ऑप्शन है, तैयार हो जाएंगे दिमाग में, एक बार देखेंगे ना अपने आप ही बैठ जाता है, उससे कहीं कहीं नहीं जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, नकल ना करिएगा, ठीक है। और फाइनल ईयर वाले तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनकी लाइफ की कोई भी चांस नहीं बचेगा, बैक अगर लग गया, कुछ भी हो गया, किसी का लगे ना भगवान की दया से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर लग गया आपकी गलती की वजह से, आपके नकल करने की वजह से, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके सिवा, आपके लिए लेट होगा, आपके रिजल्ट आने में लेट होंगे, आपको प्रैक्टर दिशा निर्देश जो देगा अगर आप उसको नहीं मानेंगे, और 25 वार्निंग के बाद भी आप करते जाएंगे ना, तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा बोर्ड में जाके। तो आप लोगों से अनुरोध है, क्लासेस भली ना चलिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक बार फिर कहता हूँ, कितनी क्लासेस चलती है, कितने जाते हैं, कितना क्या पढ़ने जाते हैं, मानता हूँ जाते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ते आप लोग अपने से सेल्फ स्टडी करके ही, मानता हूँ क्लासेस नहीं चले, लेकिन नकल करना इसका कोई भी उपाय नहीं है। तो आप लोग के पास बहुत टाइम है, अभी 3 दिन का टाइम है, जिनका आज हो गया उनका अच्छा हुआ है, और बहुत लोग अच्छा करके आए, 3 दिन का टाइम है आप लोग को एग्जाम के लिए, तीनों दिन में मैराथन चल रही है इस वीडियो, इस यूट्यूब चैनल पे, तो तीनों दिन जाके आप लोग ना अच्छे से मैराथन देख लीजिए, और जाके आप लोगों को विश्वास नहीं होता ना, गूगल पे जाके पढ़ लीजिएगा, ऑल अबाउट क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिए जा जाके, ठीक है। मैं साइटें कुछ बता देता हूँ, वहां जाके पढ़ लीजिए, careerright.com पे जाइएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डालिएगा आ जाएगा, EDD का डालिएगा आ जाएगा, कई ठू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आप लोग को नकल नहीं करना, इस बात को कान में बिठा के रख लीजिएगा, नकल के सख्त खिलाफ रहना है, कि बहुत बड़ा अंजाम भुगत सकते हैं नकल करने का, ये बात जान लीजिएगा। यार आप लोग वो इंसान है जो एक रात, फिर से बोल रहा हूँ, एक रात पढ़ के जाके पेपर अच्छा करके आते हैं, तो इस MCQ के लिए क्यों नकल करना। आप लोग को जितना टाइम आप नकल करने में गंवाएंगे ना, 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, ये 50 क्वेश्चन 1.5 घंटे के लिए मिलेंगे, 1.5 घंटे में आप लोग को सब आता है, अगर पढ़ के जाएंगे खटाखट क्लिक करिए, क्यों टाइम गंवाना वहां पे, खटाखट क्लिक करिए, आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन, मात्र 1 घंटे के अंदर वो जो पढ़ के जाएगा, और जो बिना पढ़े भी जाएगा ना, वो भी अगर अच्छे से पढ़ ले, आज मेरे वीडियो को देख लेना, दावे के साथ कर सकता हूँ, पूरा क्वेश्चन करके आएगा, पूरा सब कुछ करके आएगा, वो मात्र 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। ये मत जानने, ये मत सोचिएगा कि वीडियो भी कुछ देख नहीं रहा है, सब देख रहा है, जितने चैनल बढ़ रहे हैं नकल करने के लिए, क्या वो नहीं देख रहा है, देख रहा है, तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहा है, उसके खिलाफ वो अपने साइट को अपडेट कर रहा है, आप लोग को पता नहीं चलेगा लेकिन आप लोग को भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग यूट्यूब चैनलों के जो ऐसे भरमा रहे हैं जो चैनल, उनके तरफ ध्यान न दीजिए, क्योंकि उन लोग को अपने पढ़ाए हुए पे विश्वास नहीं है, वो लोग इस तरह ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए क्लास नहीं चली कॉलेज में, लेकिन आप जिस यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं वहां तो क्लास चली है, तो वहां से पेपर दीजिए, वहां से पढ़ के दीजिए, दे सकते हैं ना, तो फाइनल वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे बिल्कुल। अब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वाले, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर वाले, अभी उनके लिए बहुत टाइम है, बहुत पढ़ सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, लेकिन नकल नहीं करना है,
नकल के सख्त खिलाफ रहना है बस, और नकल बिल्कुल नहीं करना है। और कृपया करके उन YouTube चैनलों के बातों पर ध्यान तो बिल्कुल मत दीजिएगा जो ऐसे आपको भरमा रहे हों, ठीक है। आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हो, बात अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगती है, अगर बुरी भी लगती है, बुरी लगेगी पता है बहुत लोगों को, तो कुछ भी उससे नहीं मतलब, लेकिन मैं जो बात सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ। आज यहाँ पे आप लोग नकल कर लेंगे ऑनलाइन एक एग्जाम देने पे, आगे जितने भी आपके एग्जाम होने हैं सब आपके कहाँ पे होने हैं, ऑनलाइन ही तो होने हैं। जे एक एग्जाम में कहाँ पे जाएंगे, जो लोग तैयारी करने कहाँ पे जाएंगे नकल करने, वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं होती मोबाइल लेके जाके। क्यों आदत बना रहे हैं अपनी बुरी, क्यों आदत कर रहे हैं बुरी आदत, भूल जाइए। 2 साल आप लोगों को एक्सपीरियंस है फाइनल ईयर वालों, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल में जो आप लोग करके गया है ना रिटर्न में एक एक दिन में करके आप लोगों ने अच्छा अच्छा करके आया, तो इसमें क्यों डर रहे हैं। कुछ डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब बेसिक क्वेश्चन आएंगे, सब अच्छे से करके जाएंगे। बस मेरे चैनल को देखते रहिएगा, नहीं देखिए मेरे चैनल को, मैं कहूँ मत देखिए मेरे चैनल वीडियो को, मत देखिए, जाके बस गूगल एमसीक्यू पढ़िए, बुक पढ़ लीजिए पूरी, अलग अलग ऑनलाइन बना बना के, अलग अलग से अपने से क्वेश्चन बना बना के। अभी भी टाइम है, बन सकते हैं क्वेश्चन, कर सकते हैं आप विदाउट नकल और टॉप कर सकते हैं। 3 पेपर है, बहुत ज़्यादा पेपर नहीं है, गैप भी इतना है। एक बार अगर EDD सेकंड आपको तैयार हो गया है, समझ लीजिए आई हमारी भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी क्वेश्चन आप लोग को मिलते जुलते रहते हैं। और यूटिलाइजेशन आप लेट के एनर्जी के लिए 3 दिन का समय मिल रहा है, और अभी भी इतना समय है, 3-3-6 दिन आप लोग बांट लीजिए ना टाइम, क्या करना है, पढ़िए आराम से। नकल के भरोसे में भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, उन्हें बहुत बड़ा अंजाम भुगत सकते हैं, बहुत बड़े। क्या पता वो बैक उन लोगों को सिर्फ किसकी लगा हो या ईयर बैक लग गया तो क्या होगा नकल करने की वजह से। अब अपनी वेबसाइट अपडेट कर दे, सब हैक कर ले तो क्या होगा, मतलब अपनी वेबसाइट करके पता कर ले कितने क्या मोबाइल चल रही है, कैसे क्या चल रही है। क्यों आप लोग नहीं समझ रहे हैं, क्यों आप लोग अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मत खिलवाड़ कीजिए। और YouTube चैनलों से अनुरोध है, उन YouTube चैनलों से जो ऐसे भरमा रहे हैं, कृपया करके वो विद्यार्थियों के भविष्य साथ न खिलवाड़ करें। अगर उनको कुछ बता नहीं सकते ना, पढ़ा नहीं सकते ना, अगर उनको अपनी पढ़ाई पर विश्वास नहीं है, अगर वो क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करा सकते ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसी बातें भी ना बताएं, क्यों ना। तो पढ़ाइए सिर्फ आप लोग, और आप लोग सिर्फ उनको पढ़ने पर फोकस करवाइए, और किसी चीज़ में नकल पर करने में बिल्कुल फोकस ना करें, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम होंगे JEE, उनको कंप्लीट एग्जाम करना है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उन लोग को ऐसे ना करवाइए। धन्यवाद आप लोग को, आई होप अच्छा लगा होगा, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे तक जरूर फैलाइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे आए हैं नए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जाके मेरे सारे प्लेलिस्ट बन गई है, 6th semester इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फॉर मैराथन बन गए, जाके 2 वीडियो है पढ़ी देख लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, सब लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और बाकी अन्य कुछ भी अच्छा या बुरा लगा और कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए नकल के सिवा, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी चाहिए, वीडियो चाहिए या कुछ भी क्वेश्चन चाहिए, सब आके आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में करेंगे आपको सारी सुविधाएं, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याओं का हल मिलेगा। इस चैनल पे ये चैनल आप लोग के सारी समस्याओं का हल जरूर निकालेगा। धन्यवाद। बस नकल नहीं, नकल के सख्त खिलाफ है ये चैनल, ये पूरी टीम यहाँ की। धन्यवाद।